जय श्री राम। मिशन कुलदेवी कुलदेवता के अंतर्गत आज हम सारस्वत ब्राह्मणों के अंतर्गत आने वाली देवगण उपजाति के बारे में बात करेंगे। देवगण उपजाति जो है सारस्वत ब्राह्मणों में भी है और जांगड़ा समाज के अंदर भी देवगण गोत्र पाया जाता है। इसके अलावा मैंने कई जो है कारपेंटर जो होते हैं, कारपेंटर का कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो भी देवगण गोत्र वाले देखे हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगा सारस्वत ब्राह्मणों के बारे में। पंजाबी भाषीय सारस्वत ब्राह्मणों में एक उपनाम बोला जाता है देवगण। इस देवगण उपनाम का गोत्र कौशल होता है। मैं ये देवगण बात जो है पंजाबी सारस्वत ब्राह्मणों के बारे में कर रहा हूँ। पंजाबी भाषी सारस्वत ब्राह्मण, उन देवगण का जो गोत्र होता है वो कौशल गोत्र होता है और कौशल गोत्र की कुल देवी शिवाय माता हैं। कौशल गोत्र के कुल देवता श्री बीराजी महाराज हैं। कौशल गोत्र वालों की कुलगुरु गद्दी हरियाणा प्रांत के अंतर्गत पानीपत जिले में पानीपत शहर के अंदर ही एक भावना चौक करके पड़ता है। वहाँ पर श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम है। उस बीराजी कृपाधाम आश्रम में श्री बीराजी महाराज का स्थान है और वहीं पर कुलदेवी शिवाय माता का मंदिर है और कौशल गोत्र के जठेरों का स्थान भी यहाँ पर है। प्राचीन काल में विभाजन से पहले यह स्थान यानी कि कौशल गोत्र वालों का स्थान गद्दी श्री बीराजी जिसे कहते हैं, यह स्थान पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जिला मुजफ्फरगढ़ के अंतर्गत कोटा आदू तहसील एहसानपुर गांव में ये गद्दी कभी हुआ करती थी। वहाँ से ये पलायन करके जब यहाँ पर आए तो ये गद्दी जो है अब इस समय पर हाल ही में कौशल गोत्र की कुलगुरु गद्दी, जिसके अंतर्गत देवगण नाम के ब्राह्मण भी आते हैं, गद्दी हरियाणा के अंदर जो मैंने अभी आपको पता दिया है यहाँ पर है। तो कौशल गोत्र वाले सभी लोग देवगण ब्राह्मण आदि आकर के अपनी कुल देवी के स्थान पर माथा टेक सकते हैं, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान रसधारा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।